सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। सो आज गेम प्ले से पहले एक छोटा सा मोन्टाज देखने को मिलेगा आपको, जिसमें मैंने शॉटगन से कुछ किल करी है। शॉटगन से आप किल समझ सकते हो कि भाई शॉटगन हर किसी की बस की नहीं है, मेरी बस की नहीं है, कई गेम लगे ऐसा मतलब शॉटगन से किल करने में, लेकिन हाँ कुछ हो गई अच्छी थी तो उसको देखिए, उसके बाद हम चलते हैं गेम प्ले की तरफ। ओके you. お前はもう死んでいる。सो गाइस, आई होप आपको मोटर्स अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इन्हें कमेंट में करके बताना कैसा लगा, और आगे मैं ऐसे बनाऊं कि नहीं। और अब चलते हैं हम गेम प्ले की तरफ। तो गेम प्ले में ज़्यादा किल देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ आपको स्टार्टिंग में थोड़ा फाइट देखने को मिलेगी और स्नाइपिंग देखने को तो मिलेगी। और साथ के साथ आपको एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप एंशिएंट टेम्पल पर रहे हैं और आपको किल चाहिए, तो एंशिएंट टेम्पल पे खाली करने के बाद, उस गार्डियन को मारने के बाद, ओम और ग्रोजा लेने के बाद भाई वहाँ से निकल लो, क्योंकि अगर नहीं करा तो भाई आपको किल नहीं मिलेंगे। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मुझे ध्यान रहा नहीं, मैंने मतलब जंप ही नहीं करा और किल नहीं मिली, किल चले गई, इसलिए कम किल हो पाई। लेकिन जो भी किल थी सही थी, आपको स्नाइपिंग देखने को मिलेगी और गेम प्ले का एंजॉय करते हैं। तो यहाँ मैं टेम्पल के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने लैंडिंग गलत की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन उसके बाद भी सरवाइव करते हैं। तो बंदे उतर चुके थे तो मैं थोड़ा पहले ही उतर जाता हूँ। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आप कहीं हॉट ड्रॉप ले रहे हो, आपको सबसे स्टार्टिंग में अगर आपको आपकी फेवरेट गन मिल जाए जैसे कि M4, और एक नहीं दो, तो भाई मज़ा ही आ जाए। और पता नहीं कहाँ देख रहा था। चलो हम अंदर चलते हैं। अंदर में अब यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई कहाँ हो सकते हैं बंदे, और तो मैं ढूंढने लगा उन्हें। फुट स्टेप है ना बराबर आ रहे थे कि ऊपर हैं बंदे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, बंदों को मैं ढूंढता रहूँगा लेकिन मुझे बंदे मिलेंगे नहीं, जैसे तैसे करके एक बंदा मुझे मिलेगा। फुट स्टेप ऊपर से आ रही, तो मुझे लगा यहाँ से कहीं, यहाँ तो टिपी भी नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पे भी नहीं था। उसके बाद अपना लूटने लग गया, ऊपर गया, ऊपर देखता हूँ मैं, लेकिन ऊपर कोई मुझे दिखा नहीं। अब भाई मेरा दिमाग इतना ख़राब, मैंने कि भाई बंदे हैं कहाँ, कहाँ से आ रहे हैं फुटेज से ये। उसके बाद मैं देखने लगा, साइड से देखने लगा, फुटस्टेप बराबर आ रहे कि नहीं पे। तो मैंने सोचा कि मैंने ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर ही हो कोई, हो सकता है इसके अंदर हो। तो मैं पीछे भी देखने लग गया, मैंने सोचा कि पीछे अंदर चले जाता हूँ, लेकिन मैं गया नहीं कि क्या पता कि है ना कोई मुझे, मैं अंदर घुसूँ कोई टीपी प्लेयर वो कैंप कर रहा हो मार दे। और आई एम डैम श्योर के अंदर कैंप कर रहा था कोई, तो फुट स्टेप ऐसे आ रहे, छत पे कोई नहीं था, छत पे होता तो उसके फुट स्टेप अलग रहते। और यहाँ से मुझे एक बंदा दिख गया, अभी नहीं दिखा, दिख गया। अब इसके बाद एक बंदा रह गया, अब मैं सोच रहा कि भाई वो कहाँ है, तो मैं मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ भाई वो अंदर है।
अब यहाँ पर आगे मैं लूटता रहा, जैसे M762 और ये सब था, तो M762 देखी मैंने नीचे, तो सोचा कि उसको ले आता हूँ तो फायदे में रहूँगा, क्योंकि उसका डैमेज और रेट ऑफ फायर अच्छा है। जितनी 7 की गन से सबका डैमेज और रेट ऑफ फायर अच्छा है, तो मैं नीचे चलने देखने लग गया। यहाँ से M762 ले लेता हूँ। टेम्पल को जाने में अभी ऊपर जाने में टाइम था, तो मैंने यहाँ से टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के, गोल्ड निक्सन की टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के देखने लग गया कि बंदा है कहाँ। यहाँ से देखा नहीं उसके, बाद मैंने दूसरी साइड से देखा, कैंपिंग क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता। बंदे क्या अभी भी रैंक पुश कर रहे हैं? यहाँ भी नहीं दिखा, तो मैं समझ गया कि सामने जो बॉक्स है जहाँ पे एक्टिवेट होता है और गार्डियन का, उसके पीछे हैं। अब 60 सेकंड बचे थे और इसको टेक ऑफ करने में, तो मैंने सोचा कि एक बार पीछे जाके और ज़रा ये इमोट करके देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोने में हो, जिससे कंफर्म हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं है तो फिर छत पे है, तो मैं एक बार ये करके देखता हूँ और देखिए बंदा कहाँ है। ये अब इस बंदे की भाई मौत तो बहुत दर्दनाक होने वाली है, बहुत बुरी तरह मारूंगा इसे। कैंपर्स का तो यही होना चाहिए। ये मेरे लिए एक एपिक किल थी, तो मैंने ग्रेनेड हाथ में ले लिया। जैसे ही मैंने सोचा, और यहाँ पे तुरंत एक गाड़ी आ जाती है इतने में, बाइक। जो टेम्पल स्टार्ट वो टेक ऑफ करने वाला था, तो मैंने सोचा कि इसको मार दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा ले वो हो जाता तो मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, बंदे को नहीं मार पाता, तो मैंने सोचा उसको जाने दो, वो गेट खोलने वाला है, पीछे से वो मार देगा। तो मैंने सोचा कि यहाँ से टीपी पे लेते हैं, और जैसे ही गेट खोलेगा मैं तो गेट का साउंड होगा, तो उसके ऐसे में जब मैंने ग्रेनेड है ना कुक करूँगा तो उसकी साउंड नहीं आएगी, ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर मैंने कुक करके फेंक दिया, जैसे ही वो गया वो उठा वहाँ से, लेके इतने में बूम है। ये होता है कैंपर्स का नतीजा। कैंपर्स भाई, कैंपर्स की बुरी मौत सबसे बुरी होती है, लेकिन अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो कैंपर मारते ही बहुत बुरी तरह। सो यहाँ पर मैंने, ये तो एक्टिवेट था, उस बंदे ने पहले एक्टिवेट कर दिया था, तो दूसरा मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ और हम गार्डियन को मारते हैं। सोलो में भी गार्डियन को मारना बहुत इजी है, अकेला हो कोई बंदा इजी है, बस आपके पास वेपन्स हो और आपका एम सही हो। तो यहाँ से मुझे क्या कहते हैं, ओम मिल जाती है, AWW 8X के साथ, और क्या चाहिए था। अब थोड़ा मैंने सेंसिटिविटी थोड़ी चेंज करी है, जिसकी वजह से थोड़ा स्नैपिंग में आपको थोड़ा इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हाँ स्नैपिंग करी है, अच्छी करी है। सो यहाँ से मैं M4 ले लेता हूँ, क्योंकि M4 में मुझे 6x मिल जाएगा, तो M4 बेस्ट है। सो यहाँ से अब चलते हैं। अब आपको मैं क्यों बता रहा कि आपको टेबल में नहीं रुकना चाहिए। अब आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे, अब 38 और अलाइव थे, अब देखिए 17 अलाइव है। और यहाँ एक नीचे बंदा देखा तो मैं नीचे जंप करा, लेकिन उस बंदे को मारते मारते एनिमी से रहेंगे 10 10 कैश पर, तो मैं यहाँ नीचे उतरता हूँ। तो वो बंदा यहाँ से निकल रहा था और किसी पे साइड फायर कर रहा था, तो मैं समझ गया कि भाई वो किसी पे फायर कर रहा है। अब ये देखना था कि वो फायर कहाँ से कर रहा है।
सो मैं चलता हूँ अपना आगे और देखता हूँ उसको। और यहाँ स्कोप खोल के देखा, बंदा यहाँ तो देखा नहीं, लेकिन जब दोबारा फायर हुआ तो मैं समझ गया बंदा रुका है। इसको मैं मार सकता था लेकिन ये कवर में चले जाता, तो इसको मैंने ओपन में जान दिया। ये हेड था लेकिन पता नहीं क्या लगा। दूसरा शॉट मारा, रुक गया। तीसरा बंदा ख़त्म। अब यहाँ पर इसको तो खत्म कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि भाई जिसको ये मारा था हो सकता है वो बचा हो, तो मैं अपना यहाँ से देखते हुए जा रहा था, लेकिन उसने उसको ख़त्म कर दिया था। क्योंकि अगर होता तो वो मूवमेंट तो होती, कुछ ना कुछ तो होती, एटैक्स में कुछ तो दिखता, तो यहाँ कोई नहीं था। अब भाई देखो, बंदे तो कम, 4 निकले यहाँ और 11 बंदे अलावे हैं, लेकिन देखिए बंदे कितनी जल्दी मरेंगे। भाई जब आपको किल चाहिए होती है ना, तो आपको किल नहीं मिलती, और जब ज़रूरत नहीं होती कि भाई अब ठीक ठाक किल होती जा रही है, तो बंदे ऐसे टूट पड़ेंगे आपके ऊपर जैसे आप उनको आपके अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं मेरा मन में, इस अगर यहाँ जोन बनता तो ये पहाड़ पे बंदे बहुत कैंप करते हैं, काफ़ी हाइड एडवांटेज मिलता है इससे। लेकिन मैं ये देखता रह रहा था यहाँ से कहीं ऐसा नहीं ऊपर ही हो कोई, लेकिन यहाँ कोई था नहीं। अगर होता तो अभी तक मैं बिछा चुका होता, मुझे ग्रेड बन चुकी होती मेरी, लेकिन यहाँ कोई था नहीं। और यहाँ पर मुझे M4 मिल जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि यार M62 को हटा देता हूँ, M4 ले लेता हूँ, स्प्रे भी हो जाएगा और क्लोज में तो संभाल लेंगे यार, क्लोज में कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ मैं M4 ले लेता हूँ इसकी जगह। यह M4 मिल गई, 6x मिल गया, वर्टिकल ग्रेव, सब कुछ मिल गया। अब जरूरत किस चीज़ की थी। सो यहाँ से हम देखे 11 एनिमी चलाए हुए। अब यहाँ से मैं पूरा जितना जोन है उसका सर राउंड मारूंगा, लेकिन मुझे कोई बंदा नहीं मिलेगा, एक सिंगल बंदा नहीं मिलता मुझे। सच में बड़ा डिसअपॉइंटिंग था जब कोई नहीं मिलता। माउंट नोवे और भी कई जगह गाड़ी घुमाता हूँ, लेकिन कोई नहीं मिलता, समझ नहीं आ रहा कहाँ गए बंदे। और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ से यहाँ ड्रॉप गिरा था, तो मुझे लगा था कि कोई ना कोई तो आएगा ड्रॉप पे, और ऐसे ही होता है, एक बंदा आ रहा है, आएगा बंदा ड्रॉप पे, दूर से देखा। और वही जब बंदा दूर से दिख गया तो AWM किस लिए, और इसको दिया शॉट, ये तो बॉडी था, खैर कोई नहीं। दूसरा शॉट दिया, अब वो अंदर कवर जाने ही वाला था, लेकिन उसको हेड लग गया, हेड शॉट, हाथ से हेड शॉट। तो मैं और बंदों को देख रहा था कहाँ है, लेकिन इतने में पीछे से एक बंदा आ जाता है, पता नहीं इसने शॉट क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ले सकता था शॉट में। और अब बचे 5 बंदे, या मेरी 6 किल हो चुकी है, 5 बंदे बिक गया उसमें से। और मुझे यहाँ से गाड़ी निकली, उसको छोड़ो इतना करो। यहाँ मैं देख रहा था, स्कॉप कर रहा था कि कोई मिल जाए, ये गाड़ी वही है जो यहाँ से निकली थी कुछ देर पहले, लेकिन ये मेरे को सीन काट दिया। अब ये यहाँ पर एक ऊपर पहाड़ पे एक और बंदा आ जाता है, 2 बंदे थे ऊपर और आपस में लड़ जाते हैं, तो एक बंदा बचता है। अब मैं उस बंदे को देख रहा था, मैंने कहा ओम का शॉट दे दूंगा, अगर दिखा तो पिक तो करे, लेकिन उसको हाइट एडवांटेज अच्छा मिला था जिसकी वजह से वो पिक नहीं कर रहा था। मैं सोचा रोटेशन लेता हूँ, लेते में आ गया। यहाँ मुझे लगा मेरे M4 पे 6x लगा हुआ है रियली, लेकिन फिर भी रेड डॉट से मार दिया। रेड डॉट की भाई एक्यूरेसी अच्छी है, स्प्रे अच्छा होता है, तो उसको मार दिया। अब बचा थे 2 बंदे मेरे अलावा। अब मुझे पता था एक बंदा कहाँ है, एक बंदे की लोकेशन तो मुझे पता था, लेकिन एक बंदे की लोकेशन नहीं पता थी। लेकिन उस बंदे जो गाड़ी वाला एनिमी है, उसके चक्कर में मुझे लास्ट एनिमी की लोकेशन पता चल जाती है। अब यहाँ पर मैंने उसको हेड दिया, ये हेड था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लगा। हो सकता है ब्लड ड्रॉप हो, पता नहीं क्या हो, जो भी अगर ब्लड ड्रॉप ही होता तो उसकी बॉडी पर लगता, लेकिन नहीं लगा। अब यहाँ पर एक बंदा था, ये गाड़ी के चक्कर में उस बंदे पर वो निशाना नहीं ले पाया, अगर ये गाड़ी पर निशाना नहीं ले, यहाँ पर भी ये आ गया, क्या कोई नहीं। और उस बंदे ने उसको खत्म कर दिया। अब ये बंदा वहाँ से अब भाई स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर वो आया, ये खत्म, हेडशॉट, विनर विनर चिकन डिनर।
गाइस अगर आपको वीडियो गेम प्ले अच्छा लगा हो, मॉडल अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। आगे जो भी गेम प्ले लाऊंगा इससे ज़्यादा ही खेलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।